हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अगर आपने EWS, DG या CWSN कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फॉर्म भरा है तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और रिज़ल्ट कैसे आपको देखना है, लकी ड्रॉ में आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है, वो कैसे देखना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने बच्चे का नाम लिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि यूजली आप करते हैं, गूगल पर DOE सर्च करिए। DOE सर्च करते ही DOE की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखेगा www.edudel.nic.in, इस पर क्लिक करना है। और इसे क्लिक करते ही इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा था। आप यहाँ देख सकते हैं EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज खुल कर आएगा। और आप यहां देख सकते हैं, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें शो हो रहा था केवल नंबर 1 पॉइंट, लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बट अब 2 पॉइंट शो हो रहा है, EWS DG और फ्रीशिप रिज़ल्ट 2024-25। बस नंबर 2 पॉइंट पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते ही आपको इस तरह का पेज खुलकर सामने दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है EWS DG फ्रीशिप लॉटरी रिज़ल्ट फॉर सेशन 2024-25। और यहाँ आप देख सकते हैं रेड कलर में लिखा हुआ है मैंडेटरी फील्ड्स, मतलब स्टार जो बना हुआ है, जिस भी कॉलम में स्टार बना हुआ है वो कॉलम भरना आपको कंपलसरी है, वो भरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला है आपका एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। जब आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था फॉर्म भरने से पहले, तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। और फिर सेकेंड जो कॉलम है वो है एंटर डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपने फिल की थी वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है जो शो कर रहा है वही आपको यहाँ फिलअप करना है और अगेन फिर इसको सबमिट करना है। तो मैंने अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक फॉर्म भरकर आपको सिखाया था, बताया था कि किस तरह से फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में मैंने एक बच्चे का नाम ऐसे ही ले लिया था आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, और वहाँ मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला था, बट मैंने उस फॉर्म को फाइनल नहीं किया था। बट जो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है मेरे पास, मैंने उस फॉर्म में भर के दिखाया था आपको, मैं सेम आपको यहाँ पर भर के वही रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिखाने वाली हूँ कि मैंने सबमिट तो नहीं किया था वो फाइनल फॉर्म, तो क्या यहाँ पर शो करता है, बच्चे का नाम शो होता है या नहीं होता है, क्योंकि फाइनल तो किया नहीं था, बच्चे का नाम नहीं शो होगा, बट देखते हैं क्या शो होता है। तो यहाँ पर मैंने, जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया था उस बच्चे का फॉर्म भरने के टाइम में, तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रही हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आपको भी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास आया होगा फॉर्म भरने के टाइम में, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। फिर आपके पास यहाँ पे आ रहा है एंटर डेट ऑफ बर्थ। अब अपने जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। मैंने जिस बच्चे का फॉर्म भरकर आपको सिखाया था, दिखाया था, उस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला था, मैं यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे। और ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है बच्चे का। अब यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है। अब इस कैप्चे को सेम आपको एज इट शो करना है, यहाँ पे लिखना है, एंटर करना है। तो मेरा जो कैप्चा है मैं वो एंटर कर रही हूँ, आपके स्क्रीन पे जो कैप्चा शो होगा वो आपको एंटर करना है। तो मैं अपना जो कैप्चा है वो शो कर रही हूँ यहाँ पर। कुछ मिस्टेक्स आई थिंक हो रही है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये डालना है, ठीक है। अब कैप्चा मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। और ध्यान रखना है जो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बच्चे का डालेंगे वो बिल्कुल सही डालिएगा और ध्यान से डालिएगा। तो इस तरह से कैप्चा आपको यहाँ पर भरना है।
अच्छे से चेक कर लेना है 79BB और 7936 ओके। अब मैं इसको सबमिट करती हूँ। सबमिट करते देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो फॉर्म मैंने भरा था उसको मैंने फाइनल सबमिट की नहीं किया था, तो फाइनल सबमिट मैंने नहीं किया था तो वो रिकॉर्ड में नहीं गया है। तो यहाँ रेड कलर से आप देख सकते हैं शो हो रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड और योर डिटेल्स आर नॉट करेक्ट, मतलब ये जो भी मैंने नंबर डाला है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये इनके रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए वो फाइंड आउट नहीं कर रहा है। अगर आपके बच्चे का नाम यहाँ पर आता है तो जहाँ ये रेड स्ट्रिप ये रेड लाइन लिखी आ रही है यहीं पर आपके बच्चे का नाम यहाँ पर जिस भी स्कूल में आया है वो यहाँ पर शो कर जाएगा, एलोटेड कर जाएगा। और अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया है तो वो शो नहीं होगा, तो वो आपका यहाँ पे कॉलम दिखाएगा। तो आपको जो भी यहाँ पे डिटेल भर रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ध्यान से डालिएगा, उसमें मिस्टेक मत करिएगा। अगर मिस्टेक करेंगे तो इस तरह से लिखा भी आपके सामने आ सकता है। तो मैंने जिस बच्चे का भरा था उसका फाइनल सबमिशन नहीं किया था तो इस तरह से यहाँ पे मेरा शो आ रहा है। तो इस तरीके से आपने अगर अपने बच्चों का रिजल्ट नहीं देखा है, बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का रिजल्ट देख भी लिया होगा, बट मुझे लगता है कि मेरा अगर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी इससे रिलेटेड दे रही हूँ, बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं देखना आता है और इसके लिए उनके लिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।